नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइप ऑफ सीमेंट एंड देयर यूजेज। आज का मेरा पॉइंट यही होने वाला है, मतलब सीमेंट के प्रकार और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका क्या क्या यूज है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला मेरा पॉइंट है वह है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग OPC बोलते हैं। इसका यूज होता है ऑल ऑफ जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी मेरा जनरल कंस्ट्रक्शन होता है नॉर्मली, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। सेकंड नंबर है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, इसका शॉर्ट नेम होता है PPC। इसका यूज होता है लेइंग कंक्रीट अंडर वेस्ट वाटर, अंडर वाटर मतलब जो मेरा कंक्रीट होता है ज़्यादातर पानी के अंदर, जैसे रिवर हो गया या कोई नदी हो, कैनाल हो गया, इस तरह में हम लोग यूज करते हैं इस सीमेंट का। जैसे इसके पियर में यूज करते हैं, डैम्स हो गया, मास लेवल पर जो कंस्ट्रक्शन होता है इस समय हम इसको यूज करते हैं। थर्ड नंबर है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका यूज होता है फैब्रिकेटेड प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में। जो ये सीमेंट होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये जल्दी सेट हो जाता है ये सब की अपेक्षा। तो ये जो मेरा रोड वर्क है, जैसे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है तो उसको मेरा उसमें हम लोग रोड वर्क में रैपिड का हार्डनिंग सीमेंट का ज़्यादातर यूज करते हैं। चौथा नंबर है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सीमेंट सेटिंग सीमेंट ही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तरह ही होता है, लेकिन उससे भी ये थोड़ा जल्दी सेट होता है, क्विक सेट होता है। इसका जो यूज करते हैं, जहाँ मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड में उसको कंप्लीट करना होता है, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे रनिंग वाटर है, जैसे मान लेते हैं कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर को बनाए उसके ऊपर से जल्दी पानी जाने वाला है, जैसे नाली वगैरह हो गया, तो वहाँ पर हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं। पाँचवा नंबर है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट का यूज होता है, इसका जो होता है मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन लाइक ग्रेविटी डैम्स ETC इत्यादि, मतलब ये जो लो हीट का सीमेंट होता है वो मेरे जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रैक से बताता है, बचाता है, जो हीट के कारण क्रैक होता है उसको बचाता है, तो वहाँ पर हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। सिक्स नंबर है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, इसका यूज हो वर्क यूज इसका यूज होता है वर्क वेयर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आर पेमेंट, जहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है वहाँ पर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है मेरा सेवेंथ नंबर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसका ज़्यादातर यूज होता है जो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं जहाँ जो मेरा सरफेस है उसके संपर्क में जो मेरा ये केमिकल रिएक्शन होता है उससे बचाने के लिए ज़्यादा हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग कम सीमेंट का यूज करते हैं। जैसे कैनाल लाइनिंग्स, कलवर्ट, रिटेनिंग वॉल्स, सिफोन्स, वहाँ पर हम लोग इसका यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वाटर के साथ बहुत सारा उसमें ये केमिकल वगैरह आता है या बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, तो उसे बचाने के लिए इसका रिएक्शन ना हो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं। एट नंबर है हाई एलुमिना सीमेंट। हाई एलुमिना सीमेंट का यूज होता है यूज इन हाई टेम्परेचर फ्रोस्ट एंड एसिटिक रिएक्शन, मतलब इसको हाई टेम्परेचर में जल्दी ये सेट होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नाइन्थ नंबर है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट बहुत ही मोस्ट यूजफुल सीमेंट है आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए, जैसे फ्लोरिंग का काम हो गया, पाथ ऑफ ग्रेनेट्स हो गया, स्विमिंग पूल बनाना हो, एक्सटर्नल एडजस्टिंग वाल हो, इंटरनल एडजस्टिंग वाल हो, फेसिंग स्लैब हो, फेसिंग पैनल हो, प्रीकास्ट सर्टन्स वाल हो, वहाँ पर हम लोग जैसे अपना घर का डेकोरेशन एक तरह से कहिए डेकोरेशन के डेकोरेटर के तौर पर इसको वाइट सीमेंट के यूज करते हैं। दसवां नंबर है नेक्स्ट नंबर मेरा एयर इंटरिंग सीमेंट। इसका जो यूज होता है जहाँ पर मेरा सीमेंट सेंट का जो रेशियो होता है उसमें अगर वाटर की मात्रा कम है किसी कारणवश
तो जहाँ हम लोग वाटर की मात्रा कम मिलाते हैं जिस एडमिक्चर में, जिस सीमेंट में, सीमेंट सैंड में, वहाँ पर, या केवल सीमेंट ही क्यों ना हो, तो उसमें क्या होता है ना, एयर वॉइड रह जाता है। अगर उसको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, जैसे कोई सीमेंट है उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे तो सेलरी टाइप का नहीं बनता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा वॉइड रह जाता है। तो उस वॉइड से बचाने के लिए हम लोग एयर इंटिंग सीमेंट का यूज करते हैं। इसमें हम लोग इसको एडिंग एयर इंटरिंग एजेंट्स यूज करते हैं बाहर, मतलब एक्स्ट्रा कुछ केमिकल इसमें यूज होता है। उसमें ग्लूज होता है, सोडियम साल्ट होता है, सोडियम या सल्फेट होता है, ऐसे ही मतलब ग्रेडिएंट्स को जब हम लोग क्लिंकर करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। 11th नंबर है कलर्ड सीमेंट। ये सीमेंट मेरा यूज होता है, दे आर यूज इन डेकोरेटिव वर्क। ये भी मतलब एक वाइट सीमेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सीमेंट हम लोग को 5 से 10% मिनरल पिगमेंट्स ऑर्डिनरी सीमेंट मिलाया जाता है, जिससे हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट के साथ ही इसको कलर मतलब मिलाते हैं तो इसका कलर आ जाता है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था दोस्तों। दोस्तों आप लोग के लिए एक ज़रूरी बात, अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए ना, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोग के लिए हम कैसा वीडियो बनाएं जिससे आप लोग के लिए बेहतर अनुभव हो और बेहतर यूज हो। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ हम विदा लेते हैं आप लोग से, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।